Hello students, let's start our lesson French Revolution, and in this lesson we have discussed about the causes of French Revolution. हमने causes of French Revolution discuss कर लिया है. उसके बाद अब हम discuss करेंगे कि how the revolution outbreak, means के revolution जो है वो कैसे हुई, शुरुआत कैसे हुई, क्रांति की शुरुआत कैसे हुई. तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी what happened. लुई 16 वॉज एडवाइज टू इंक्रीज द टैक्सेस. लुई 16 को एडवाइस दी गई कि टैक्स बढ़ा दीजिए. टू मीट हिज एक्सपेंसिव एक्सट्रावेगेंस ही वॉज एडवाइज टू इंक्रीज हिज टैक्सेस. जो भी उसके खर्चे थे पूरे नहीं हो रहे थे, राजघराने का खजाना खाली था और सरकारी कामकाज चलाने के लिए जो भी उसे पैसा चाहिए था, उसके लिए उसे एडवाइस दी गई कि आप खर्च जो है वो टैक्स बढ़ा दीजिए. और टैक्स आपको पता है किस पर, थर्ड स्टेट पर, क्योंकि थर्ड स्टेट ही टैक्स देती थी. सो ही वॉज एडवाइज एंड इन द ओल्ड रिग्म ऑफ फ्रांस. फ्रांस का जो पुराना राजतंत्र था उसमें एक था कि राजा अकेला टैक्स नहीं बढ़ा सकता था. उसको एक सभा बुलानी होती थी एस्टेट जनरल की, जो एक पार्लियामेंट टाइप होती है, एस्टेट जनरल कहा जाता था उसे. फ्रांस में जो पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ कोर्ट होते थे, दरबारी होते थे, उनको एस्टेट जनरल कहा जाता था. उनको बुला करके जो है वो टैक्स के लिए पास कराना होता था. और ये जो एस्टेट जनरल थी, ये जो सभा थी, जो पार्लियामेंट थी, इसमें जो है तीनों स्टेट के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होते थे, तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते थे. और जो है वो ये तीनों रिप्रेजेंटेटिव अपने अपने जो है वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन पर काम करते थे. और इस तरीके से 1614 से पहले, 1614 से पहले जो है, इसके बाद सॉरी 1614 के बाद कोई भी जो है वो इस तरह की एस्टेट जनरल की टैक्स इंक्रीज करने संबंधी सभा नहीं बुलाई गई थी. तो ये ही आपको फर्स्ट स्टेंजा में बताया गया है. लेट्स डू इट थ्रू रीडिंग. लुई 16 जो है ही हैड टू इंक्रीज द टैक्सेस फॉर रीजन यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन. पिछले आपने पढ़ लिया है कि क्यों उसके पास क्या रीजन था टैक्स बढ़ाने का. और फ्रांस के जो मोनार्कियल सिस्टम था, ओल्ड मोनार्कियल सिस्टम था, उसमें टैक्स इम्पोज अकेला नहीं कर सकता था. द किंग द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेज अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन. अकेला वो उसको टैक्सेस को बढ़ा नहीं सकता था. सो ही हैड टू कॉल ए मीटिंग ऑफ एस्टेट जनरल. ये आ गया एस्टेट जनरल, सभा बुलानी पड़ती थी सभापतियों की, जिसमें कि वो प्रपोजल टैक्सेस का पास करेगा. और इस तरीके से पॉलिटिकल बॉडी थी एस्टेट जनरल, जिसमें कि तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते थे. और 1614 से के बाद से ये 1789 तक ये पार्लियामेंट, ये एस्टेट जनरल कभी बुलाई ही नहीं गई थी, यानी ये मीटिंग हुई नहीं थी. सो इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड दैट लुई 16 नाउ ही स्टार्टेड कंसीडरिंग टू इंक्रीज द टैक्सेस. अब क्या था कि हर स्टेट का अपना एक वोट था. जैसे फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, थर्ड इन तीनों का अपना 1-1-1 का रेशो था. यानी फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट किसी भी बिल को पास करना चाहे तो इनके हो गए 2 वोट, 1+1=2, और थर्ड स्टेट का हो गया 1. तो थर्ड स्टेट जो कि आपको पता है पुअर की थी, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट दैट यू नो कि वो रिच कम्युनिटीज के बिलोंग करते थे, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट प्रिविलेज थे और ये इन सब के कॉमन बेनिफिट्स थे. तो फर्स्ट प्लस सेकंड मिलकर के 2 वोट्स हो जाते थे और थर्ड स्टेट का अकेला वोट रहता था, 1 वोट रहता था. तो इस तरीके से क्या था कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट जो चाहते वो बिल पास करवा देते और थर्ड स्टेट बिल पास नहीं करवा पाता. थर्ड स्टेट ने, अब लुई 16 ने जब ये सभा बुलाई, जब ये एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई नए टैक्स को लेकर के 5 मई
1789 को जब ये नई प्रपोजल के लिए, टैक्स के प्रपोजल के लिए सभा बुलाई गई, तो वर्साय के महल में जो है पंक्तियां बना दी गई, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट तो बैठ गए, 300-300 रिप्रेजेंट, फर्स्ट स्टेट के 300 और सेकंड स्टेट के 300, एंड दे सिट इन द फ्रंट रो, वो सामने की रोज में बैठ गए सीट्स में, और थर्ड स्टेट के लोगों के, जो थर्ड स्टेट के 600 वो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्हें बैठने के लिए जगह नहीं दी गई, दे स्टैंड एट द बैक ऑफ द फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट। तो ये देखिए यहीं से असमानता दिखती है कि फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट को सीट दे दी गई और थर्ड स्टेट को सीट नहीं दी गई, दे स्टैंड ऑन द बैक साइड। तो थर्ड स्टेट ने डिमांड की कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन पर काम करो, कि वन पर्सन वन वोट, इक्वल टू वन वोट, कि 300 फर्स्ट स्टेट के हैं तो उनकी 300 वोट हो गई, 300 सेकंड स्टेट के हैं तो उनकी 300 वोट हो गई, और 600 थर्ड स्टेट के हैं तो 600 वोट ही किसकी होनी चाहिए, थर्ड स्टेट की। तो उन्होंने ये रिप्रेजेंटेशन की मांग की, बट द किंग डिनाइड फॉर दैट, और राजा ने उसके लिए मना कर दिया। तो इस तरीके से थर्ड स्टेट के लोगों को सुनवाई नहीं की गई, थर्ड स्टेट के जो लोग नहीं आ सके उन्होंने अपने 40,000 लेटर्स रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भेजे थे, बट दे वर नॉट लिसन इन द पार्लियामेंट और इन द असेंबली। सो क्या था कि जब उन्होंने देखा कि उनकी सुनवाई नहीं है, दे वॉक आउट फ्रॉम दैट, वो वहाँ से आ गए, लुई 16 ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, और इस तरीके से थर्ड स्टेट ने डिमांड की कि हमें इक्वल वोटिंग का जो है वो, इक्वल वन वोट वन वैल्यू का जो है वो अधिकार दिया जाए, बट द किंग डिनाइड, जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, रूस सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक में भी लिखा हुआ है इक्वल वोटिंग का प्रोस्पेक्ट, तो उस पर काम करने की डिमांड की गई, बट द किंग रिजेक्टेड द प्रपोजल। तो थर्ड स्टेट ने असेंबली को प्रोटेस्ट कर दिया, असेंबली को विरोध किया, एंड दे कम आउट, व्हेन दे कम आउट एट द टेनिस कोर्ट विद दे मेट आउट एंड वर्साय के टेनिस कोर्ट में, वर्साय का जो टेनिस कोर्ट था, वर्साय के टेनिस कोर्ट में वो सभी थर्ड स्टेट के 600 मेंबर्स इकट्ठे हुए। तो वर्साय के टेनिस कोर्ट में वो सभी इकट्ठे हुए, उन्होंने देखा राजा ने तो तुम्हारी मांग नहीं सुनी, तो 20 जून को वर्साय के टेनिस कोर्ट में ये सब इकट्ठा हुए, और उन्होंने डिक्लेयर किया, उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना ली जिसका नाम क्या रखा, नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली वॉज द पार्टी नाउ पार्टी ऑफ द थर्ड स्टेट। तो पार्टी बना ली थर्ड स्टेट की और कहा कि हम अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, फ्रांस के लिए हम संविधान बनाएंगे, अब राजा को हमारी बात नहीं सुन रहा राजा, हम राजा के लिए कानून बना करके, संविधान बना करके अपनी पावर राजा से मनवाएंगे, और राजा की पावर को, मोनार्क की पावर को लिमिटेड करेंगे। सो दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर्क दे स्टार्टेड। अब इसके लीडर कौन थे इस नेशनल असेंबली के, मिराबे और अबू सिया वाज द लीडर ऑफ द नेशनल असेंबली। मिराबे और अबू सिया थर्ड स्टेट के नहीं थे, मिराबे एंड अबू सिया दे बिलोंग टू द नोबल फैमिली। मिराबे जो था वो नोबल फैमिली, एक जो है नोबेलिटी में बिलोंग करता था, नोबेलिटी से बिलोंग करता था, परंतु वो एक अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था, वो जानता था कि ये जो हो रहा है थर्ड स्टेट के साथ ही सही नहीं हो रहा है, तो उसने थर्ड स्टेट के लिए मिलकर के आवाज़ उठाई, फ्यूडल सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई, और इस तरीके से उसने अपनी जर्नल्स में, अपनी पत्रिकाओं में या न्यूज़पेपर्स के थ्रू लोगों के बारे में, लोगों को इस तरीके से थर्ड स्टेट की समस्याओं के बारे में समझाया भी। तो अब ये देखिए ये मीटिंग का दृश्य है जहाँ मीटिंग हो रही है, सब इकट्ठा हुए हुए हैं, और ये मिराबे अबू सिया जो है वो अपना भाषण दे रहे हैं और सब जो है वो उनको सुन रहे हैं। अबू सिया भी इसी तरह से एक जो है बहुत ही वेल नोन थर्ड स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट से बिलोंग करने वाले प्रिस्ट थे, और इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट उन्होंने एक जो है वो पैम्फलेट टाइप का जो है अखबारों में जो आता है इश्तिहार, उस तरह का पैम्फलेट उन्होंने छापा उस समय अखबार में, जिसमें क्या था कि व्हाट इज थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट क्या है। थर्ड स्टेट में तो कॉमन लोग थे, अनपढ़ लोग थे मोस्टली, दे डोंट नो व्हाट वाज दिस कंडीशन, उनकी कंडीशन क्या है वो नहीं जानते थे, उनको उनके बारे में समझाया गया, और किसने समझाया, अबू सिया ने थर्ड स्टेट के बारे में व्हाट इज थर्ड स्टेट नामक पैम्फलेट लिखकर। तो नेशनल असेंबली जब ड्राफ्ट करने में
कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में बिजी हो रही थी, उस समय एक बहुत बड़ा संकट आया, टर्मोइल आया। ये क्या था कि सर्दियां बहुत, सीवर विंटर बहुत भयंकर ठंड पड़ रही थी, और इस भयंकर ठंड में फसल खराब हो गई। फसल खराब होने के कारण आपने पढ़ा था जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी और अनाज की कमी हो रही थी, ब्रेड की कमी हो रही थी, तो ब्रेड की कीमतें बढ़ रही थी, उधर से फसल भी खराब हो गई। तो फसल खराब होने के कारण बेकर्स जो थे, जो ब्रेड बनाते थे, उन्होंने सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। उन्होंने होर्डिंग करना शुरू कर दिया। होर्डिंग होता है जमाखोरी। जमाखोरी मतलब चीज़ों को छुपा कर गोदाम में रख देना और कहना खत्म हो गई हैं। तो इस तरीके से और बड़ी लंबी कतारों में, क्राउड में जो है वो महिलाओं को लगना पड़ता, कहीं कहीं घंटों दिनों रातों को लाइन में लगने पड़ता। जब उनको नहीं मिलती तो उन्होंने अटैक कर दिया। तो ये मैंने आपको फर्स्ट पेज इसका नहीं बताया था, तो अब हम फर्स्ट पेज की तरफ चलते हैं जहाँ से आप पढ़ेंगे क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। तो क्रांति की शुरुआत के लिए हम फर्स्ट पेज पर चल रहे हैं। अटैक ऑन बास्टिल। बास्टिल एक किला था जिसमें कि क्या था, उस किले में उसको एक सिंबल ऑफ हेटर के रूप में देखा जाता था, उसको नफरत के रूप में, राजा की ताकत के रूप में, राजा की जो ताकत थी उसके खिलाफ लोगों को उस नफरत थी उससे, और बास्टिल को एक सिंबल के रूप में उससे देखा जाता। तो 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ कि 14 जुलाई 1789 को पेरिस में जो है एक चेताने वाली स्थिति हो गई। ऐसी अफवाह फैल गई, एक रूमर फैल गई कि राजा ने जो है ट्रूप्स को, सेनाओं को कमांड दी है कि वो जा करके जो है अटैक कर दे सिटीजन्स पर। और साथ इस तरह से जब लोग भूखे मर रहे हैं, उनके पास अनाज नहीं, और उनको ये अफवाह सुनने को मिली कि राजा ने तो ऐसी अफवाह, एक रूमर फैला दी है, अफवाह फैला दी है, रूमर मीन्स अफवाह, राजा ने अफवाह फैला दी, और राजा ने अफवाह फैला दी तो ये क्या, इस अफवाह से लोग पहले ही भूखे मर रहे हैं, इस अफवाह के कारण और परेशान हो गए। तो उन्होंने 7,000 महिला पुरुषों ने इकट्ठे होकर के टाउन हॉल में एक मिलिशिया मीन्स लोगों ने अपनी खुद की सेना बना ली और गवर्नमेंट बिल्डिंग पर अटैक करना शुरू कर दिया इन सर्च ऑफ आर्म्स, हथियारों की तलाश में, क्योंकि अब उनके पास हथियार थे नहीं, राजा की सेना से लड़ने के लिए हथियार चाहिए। सो दे मूव टुवर्ड्स द गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ द आर्म्स। सो इसीलिए उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया, और इस तरीके से सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी, शहर के ईस्टर्न पार्ट की तरफ कई सौ लोग मिलकर के चल पड़े, और उन्होंने जो है बास्टिल, जिसे कि एक किला बंद जेल के रूप में यूज किया जाता था, जो लोगों के लिए नफरत का एक चिन्ह था, उसको जो है उस पर अटैक कर दिया। बास्टिल के में जो है जो कमांडर था बास्टिल का, सेनापति था, उसको मार दिया, और वहाँ कैद जो थे उनको, प्रिजनर्स, उनको रिलीज कर लिया, उनको आज़ाद करवा दिया। चाहे वहाँ पर केवल 7 ही लोग कैद थे, पर ये उनके लिए एक बड़ी विजय थी, उनके लिए एक बहुत ही जो है बड़ी उपलब्धि कहेंगे हम थी, क्योंकि बास्टिल जो है दैट वाज हेटेड बाय ऑल। बास्टिल को एक डिस्पोटिक पावर के रूप में राजा की समझा जाता था, दैट वाज कंसीडर्ड डिस्पोटिक, राजा की तानाशाही ताकत के रूप में इसको देखा जाता था। तो इस तरीके से बास्टिल के किले को गिरा दिया गया। दिस इवेंट वाज द स्टार्टिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये इवेंट द डिवोल्यूशन ऑफ बास्टिल फोर्ट, बास्टिल के किले का पतन, ये जो इवेंट है ये है स्टार्टिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग है, ये यहाँ से आपका लेसन स्टार्ट हो रखा था। अब मैंने फर्स्ट लेसन इसलिए नहीं बताया कि एकदम से आप उसे नहीं समझ पाते, तो पहले मैंने फ्रांस कैसा है ये बताया था, अब उसके बाद हम जब कॉजेज के बाद इवेंट कर रहे तब हमने ये डिस्कस किया। तो इस तरीके से पूरे देश में ही एक क्रांति की लहर दौड़ पड़ी और जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि जब फ्रांस की क्रांति के बाद जिस तरह से बास्टिल के किले को ढहा करके सिचुएशन अंडर कंट्रोल करने के लिए राजा ने सेना भेजी, अफवाह जो फैली थी वो थी कि भी राजा ने सेना भेजी है, पर राजा ने सेना इसके कारण भेजी थी जब बास्टिल के किले को ढा दिया गया था। तो बास्टिल के किले को ढाने के बाद राजा ने जो है सेना को भेजा, ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव टू द पेरिस टू कंट्रोल द
कंडीशन, तो जो तूफान आ गया था बासिल के किले को गिरा करके, एक जो है जनता क्रोध में आ गई थी, उसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो भेजी गई सेना। तो गांव में भी अफवाह फैल गई कि राजा ने जो है वो बैंड्स भेजे हैं मैंने जो है वो फसलें खराब करने के लिए। गांव में भी अफवाह पहुंच गई, और इस तरह से जो मैन्योर होते थे, बड़े बड़े जमींदार होते थे, उनके जो है किलों पर, उनके घरों पर आक्रमण करके जो है वो करना शुरू कर दिया। अब इस तरीके से उनको ये लगा कि हमारी जो राइट क्रॉप है, उनको जो तैयार फसलें हैं, उनको खत्म कर दिया जाएगा, राजा सेना भेज देगा, इसलिए उन्होंने उनको भी खत्म करना शुरू कर दिया। अब जो कैटोक्स थे, कैटोक्स होते थे जो रिच पीजेंट्स होते थे, लैंडलॉर्ड्स होते थे, उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। डरे हुए किसानों ने जो भी उनके पास कुदाल दराती, जो भी उनके पास घरों में हथियार थे, उन सब से उन्होंने इन पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, लूटना शुरू कर दिया, जलाना शुरू कर दिया, और जितने भी जमींदारों के घरों में अनाज के भंडार थे उन्हें लूट लिया, जला दिया, डॉक्यूमेंट्स जला दिए। तो अब ये लोग बच करके दूसरे पड़ोस के जगह देशों में, नेबरिंग कंट्रीज में छुपने लगे। कौन? बड़े बड़े लैंडलॉर्ड, बड़े बड़े जमींदार जो थे वो। तो इस तरीके से थर्ड शहर में क्या हो रहा था, पेरिस में थर्ड स्टेट अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख रही थी, और इस तरह इधर दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि लोग घबरा गए अफवाह के कारण, और उन्होंने सेना के आने की अफवाह से डरकर उससे पहले ही आक्रमण करने शुरू कर दिए, और स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। तो लुईस ने फाइनली क्या किया, लुईस गिव द रिकॉग्निशन, और उसने थर्ड असेंबली को मान्यता दे दी, थर्ड असेंबली की पार्टी को मान लिया, और कहा कि तुम जो संविधान बना रहे हो ठीक है, मैं उसके अनुसार काम करूंगा। और उसने उसके उनके संविधान को भी अपना लिया। तो 4 अगस्त 1789 को जो है रात को असेंबली ने जो है वो फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया, टैक्सेस का अबोलिशन कर दिया, मेंबर्स जो थे क्लर्गी के उनको उनके विशेष अधिकार त्यागने के लिए, जो क्लर्क फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट को विशेष अधिकार त्यागने के लिए कह दिया, टाइथ कर खत्म कर दिया गया। तो 4 अगस्त 1789 को इस तरह से क्रांति की जो एक शुरुआत हुई थी, उसका परिणाम ये निकला कि राजा ने, लुईस 16 ने फाइनली नेशनल असेंबली की बातों को मान लिया। और इस तरीके से जब सारे फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट ने अपनी ताकतें, अपनी शक्तियां त्याग दी, अपने विशेष अधिकार त्याग दी, अपनी प्रॉपर्टी त्याग दी, तो 2 बिलियन लीवर सरकार के पास धन जमा हो गया, और जो कर्जा था एक तरह से 2 बिलियन लीवर का, वो देखिए एकदम से सरकार के पास उतना पैसा आ गया, क्योंकि पैसा किसके पास था, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के पास। तो वहां से पैसा ले जो है आने लगा। अब फ्रांस राजा ने जो है वो लुईस 16 ने नेशनल असेंबली के बनाए संविधान को मान लिया, तो राजा का शासन अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलने लगा। नाउ फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, नाउ फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत हो गई। फ्रांस में अब संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत हो गई। संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक और मोनार्की राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत हो गई। यानी राजा काम तो करेगा, राजा के पास शक्तियां तो होगी, बट ही हैज टू वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, बनाया था, उसको 1791 में मान्यता मिल गई, और उसमें राजा की शक्तियों को लिमिटेड कर दिया गया, और पावर्स जो हैं वो एक व्यक्ति के हाथों में नह डह कर लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, आपने इसमें पढ़ा होगा, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीन विभागों में बांट दी गई। इसी से रिगार्डिंग आपको ये चार्ट बनाकर दिखाया गया है कि जजेस बना दिए गए, किंग मिनिस्टर्स, दे कंट्रोल, नेशनल असेंबली कंट्रोल करेगी किंग पर, और जो है नेशनल असेंबली में एक्टिव मेंबर्स। यहाँ सबसे बड़ी कमी क्या थी कि जो लोग वोट दे सकेंगे वो सभी को वोटिंग राइट नहीं दिए गए, वोटिंग राइट दिए गए सिर्फ उन लोगों को जो कि एक्टिव मेंबर्स थे। एक्टिव मेंबर्स कौन थे? 4 मिलियन लोग पॉपुलेशन के
एक्टिव मेंबर्स थे, और वो लोग जो टैक्स पे करते थे, दोज़ हु पे टैक्सेस, जो टैक्स पे करते थे वो एक्टिव मेंबर थे, महिलाएं, बुजुर्ग और 25 साल से कम की उम्र के बच्चे जो हैं वो क्या नहीं थे, वो पैसिव सिटीजन में आते थे, वो जो हैं 3 मिलियन के आसपास लोग पैसिव सिटीजन में आते थे, यानी उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। फ्रांस की क्रांति से आम आदमी को वोट डालने का अधिकार तो मिला, पर सभी को नहीं, गरीबों को, महिलाओं को, बच्चों को, जो उनको जो है वोट डालने का अधिकार नहीं मिला। तो दिस वॉज द फर्स्ट रिजल्ट, फर्स्ट आउटकम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो फ्रांस बिकम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अभी चेंजेस आएंगे, क्योंकि एक तो स्टार्टिंग हुई थी, अभी हम इफेक्ट्स, रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेसन में। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन, रीड दिस लेसन विद द हेल्प ऑफ बुक, एंड वेयर एवर यू हैव क्वेरी यू कैन आस्क। थैंक्स अ लॉट, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू मोटिवेट मी। थैंक यू।